समारोह में हम, जिसका नाम शिक्षा संवाद भी है, आखिरी तक के फाइनल रिजल्ट भी है, हम सभी कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। वो कार्यक्रम बाद में इसी तरह चलते रहेगा। सर्वप्रथम मैं मंच पे विराजमान एसएमसी प्रधान श्री हेतराम जी, स्थानीय पाठशाला की प्रधानाचार्य मैडम कविता कपूर जी, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता श्री संतोष कुमार गुलेरिया जी, एसएमसी के सदस्यगण, अभिभावकगण तथा मेरे अध्यापक वृंद और प्यारे बच्चों, आप सभी का आज इस समारोह में इसकी गहराइयों से वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। ये चर्चा हमारी अभी चर्चा करेंगे, चलो वो बाद में चलती रहेगी। तो सर्वप्रथम मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ प्रधानाचार्य अभिजी को कि वो आए और इन बच्चों का परिणाम घोषित करें, तत्पश्चात हमारा शिक्षा संवाद जारी रहेगा। धन्यवाद। आज मैं सत्र 2022-23 छठी से आठवीं और जितनी भी टैलेंट्स हैं उनको सीखना भी जरूरी है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि स्कूल से छुट्टी हो गई है और आपके एग्जाम्स हो गए हैं तो अब आपको कोई काम नहीं है पढ़ाई का। निरंतर हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना होता है। पहले कोई भी दिन ऐसा ना बीते कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के अच्छे से बात ना करें, उन्हें जबरदस्ती अपने पास बिठाएं और उनके साथ बात करें, उनके मन की बात समझें और अपने मन की बात उन्हें समझाने की कोशिश करें। आपके और आपके माँ बाप के बीच में गैप नहीं होना चाहिए कि जी मम्मी है मम्मी को नहीं बताना या पापा है पापा से छुपा लेने वाले हैं। नहीं, आपके पेरेंट्स और आप एक यूनिट हैं और जिसमें कोई भी छुपना छुपाना